सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं और मैं बहुत अच्छे बाद इस किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इसका मकसद दो है, एक तो हमें स्थिति ही आई है पार्टी के अंदर, नए चेयरमैन एक आ गए हैं, दूसरी चीज पार्टी की एक रीऑर्गेनाइजेशन जो हम कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना, और हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है उसके बारे में आपको मैंने बताना है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यहाँ जो बैठे हुए हैं वो एक नए चेयरमैन हमारे हैं, फेशकी साहब, हिदायत फेशकी साहब, ये हमारे नए चेयरमैन हैं APML के। सेक्रेटरी जनरल को आप जानते ही हैं शायद, महरीन आदम ये बैठी हुई हैं, और यहाँ खटक साहब हैं, शेर आलम खटक, जिनकी अपॉइंटमेंट हम डिसाइड करेंगे, लेकिन ये एक पार्टी के अंदर एक अहम रोल अदा करेंगे। इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पार्टी की बहुत बातें हो रही हैं, हर किस्म की कयास अराइयाँ हो रही हैं, पार्टी ख़त्म हो गई है, मैं कोई ऐसा बीमार पड़ गया हूँ कि मैं मेरे से हिला ही नहीं जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं ज़रा आज ही किल करूँ कि मैं हिल रहा हूँ। ये तो आप देख रहे हैं ना, मैं हिल रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ और आपको अपनी पर्सनल सामने आपके आकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्या सूरत हाल है। मैं सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम था मुझे और है भी, मैं ऐसी झूठ बोलता फिरूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम था, डायग्नोज नहीं हो सक रहा था, डायग्नोज हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी चल रही है, 2 महीने से मैं जिम में जाता था, वहाँ साउथ अफ्रीकन ट्रेनर है उससे ट्रेनिंग, तो सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूँ अपनी सेहत के बारे में, इम्प्रूवमेंट हो रही है, वेरी रेगुलर इम्प्रूवमेंट, इतना काफ़ी है अपने बारे में। दूसरी चीज़ पार्टी, पार्टी भी बीमार थी थोड़ी और लेकिन उसको भी ठीक करना है, पार्टी को भी ठीक करना है, तो मैं समझता हूँ पार्टी में एक नया जोश और नया वलवला डालना है, नए सिरे से एक पार्टी चलानी है, रीऑर्गेनाइज करके एक पार्टी को, इस पार्टी को चलाना है। मकसद इस पार्टी का हरगिज नहीं, बिल्कुल मैं कतई तौर पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ इनको गिराने में, इनका मुकाबला करने में बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ हमारा इंटरेस्ट अगर है वो जो 2 लोग हैं आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, इनको पॉलिटिक्स से आउट रखना, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी तबाह कर दिया है, अब और मज़ीद तबाह करने की गुंजाइश नहीं रही, तो इनको आउट रखने के हवाले से जो कुछ भी APML कर सकती है वो करेगी। इस गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स बना दिया है, जो मैं हमेशा कहता था पहले इन 2 से आउट हो, वरना ये इन्हीं 2 में से एक ने बनना था, तो अब एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स कायम हो गया जो इन जिन्होंने इनको आउट किया है, तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, पूरी तरीके से हम सपोर्ट करते हैं। अब रीऑर्गेनाइजेशन इसकी करनी है हमने,
और इंशाल्लाह ताला पूरी रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे पूरी मुल्क में मुल्क भर में और ओवरसीज चैप्टर के भी यहाँ बैठे हुए हैं शहजाद साहब और राय साहब बैठे हुए हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पूरी हमने रीऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज की और विद इन पाकिस्तान हर प्रोविंस की रीऑर्गेनाइजेशन होगी APML की तो APML ख़त्म नहीं हुई है APML रीऑर्गेनाइज होगी बेहतर लोग होंगे कैपेबल लोग होंगे दयानतदार और काम करने वाले लोग होंगे ये हम कर रहे हैं और ये हमारा मकसद है तो मैंने सोचा मैं आपको बुला के ये बताऊं अब आगे जो रीऑर्गेनाइजेशन के फिगर्स लोग आएंगे वो आपको ग्रेजुअली पता होता रहेगा और मैं चाहूँगा कि चेयरमैन साहब भी आपसे मुलाकात करते रहें सेक्रेटरी जनरल का आपसे मुलाकात करती रहें और आपको हमारी जो काविशें हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करते रहें आपको बताते रहें जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे आपको पता होता रहे कि हम क्या कर रहे हैं तो ये पूरा आइडिया है इसके बाद मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात की ज़रूर बात करना चाहता हूँ ब्रीफली ज़्यादा टाइम मैं आपको देना चाह रहा हूँ क्वेश्चन आंसर अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में ख़तरनाक लेवल तक है टेंशन एक दफ़ा पहले भी हुई है 2002 में 10 महीने के लिए इन्होंने अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स सारी पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे ले आए थे इंडियंस हम भी ले गए हम भी डरे नहीं हम भी ले गए और हमने उन्हें चैलेंज किया कि आज अगर लड़ना ही चाहते हो तो लड़ो आ जाओ यहाँ तक कि एक दफ़ा उन्होंने पता मुझे हुआ था कि रात को ये अटैक करने वाले हैं कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक मैंने नेवी और एयरफोर्स चीफ को अपने घर में बुलाया आर्मी आर्मी हाउस में और एयर चीफ को मैंने कहा ओपन मैसेज भेजो हर एयरफील्ड को ओपन नो सीक्रेसी इमीडिएटली हम रिटेलिएट करेंगे इमीडिएटली जितनी हमारी ताकत है एयरफोर्स की उससे हम रिटेलिएट करेंगे और सिर्फ एक दफ़ा नहीं सुबह सवेरे दूसरी दफ़ा मारेंगे ये सब तो प्लेन तो हुआ क्या उन्हें भागना पड़ा 10 महीने बाद वापस चले गए और ख़त्म होकर उनको गालियां पड़ी अपनी पब्लिक से क्योंकि कोई 100 अरब रुपए तक उन्होंने खर्च किए अब जहाँ तक ताल्लुक है कि वो बार बार उनका प्राइम मिनिस्टर एक आया हुआ अजीत साहब वो कह रहा है कि जी हम सज़ा दे देंगे हम इन्हें ख़त्म कर देंगे हम इन्हें 4 में बांट देंगे अब इसकी कश्मीर की अगर जहाँ तक हद तक देखा जाए कश्मीर भी बहुत सी जगह हैं जहाँ ये हमें हमारे ओवर एडवांटेज है इनको ये हमारे ऊपर एडवांटेज है इनका वहाँ ये कर सकते हैं कुछ ना कुछ लेकिन ये भी मैं बताऊँ आपको बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हमें उनके ऊपर एडवांटेज है मैं पूरा कश्मीर पैदल चला हूँ मुझे मालूम है अब जहाँ वो अगर कुछ कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं तो इसका जो जवाब है कई वो इंटरव्यू उसने मुझे कल ही पूछ रहे थे कौन इंटरव्यू इंडिया टुडे नदीम मलिक मैंने कहा देखो वो उसने पूछा हम क्या कर सकते हैं मैंने कहा हम ये करें वो कह रहे हैं हम अटैक करेंगे ये करेंगे वो करेंगे मारेंगे जहाँ जहाँ हमें एडवांटेज है उधर उसकी प्लानिंग हम पूरी करें कि हमने इधर इनको मारना है और उधर प्लान पूरा बना लें और उधर उस प्लान की एग्जीक्यूशन में जो ताकत चाहिए आर्मी फोर्स चाहिए वो पहले पीछे अपनी अपनी जगहों पे हाजिर बिठा दें अब वो आए इधर से शुरू यही हम कर सकते हैं और ये खुल के बता दें बोलें अखबार में आए टीवी पे आए ज़रा सुने वो मोदी साहब भी सुन लें ज़रा तो ये हम कर सकते हैं और बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से
ये जब हम देंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, बोलते चले जाएंगे, देखते हैं अल्लाह बेहतर करेगा। हम कमज़ोर ताकत नहीं हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी फौजें सब बहुत ताकतवर हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ वही सलूक और उससे ज़्यादा कर सकते हैं जो वो करें। तो ये इंडिया पाकिस्तान का था, इतना ही मैंने बात करनी थी आपसे। अब मैं कुछ और कुछ रहता है सर इन ओपन हाउस जी कुछ सवाल। अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप आई एम ओपन टू एनी क्वेश्चन। जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह है जहाँ पे इंडिया को हम पे जो बतरी है वहाँ पे कुछ जगहों को अटैक कर सकते हैं, और लेकिन हमारे पास भी ऐसी काफी सारी जगह है, लेकिन क्या समझते हैं जिस तरह इंडिया इस तरह धमकियां दे रहे हैं फुलके, शायद उनके पास कुछ मतलब जो दूसरे हमारे बॉर्डर है वहां पे भी कुछ उन्होंने इस तरह का कोई प्लान किया हो, तो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मतलब उसका किस तरह दफा करेगा, और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को गोली एटमी अटैक कर देना चाहिए, इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे। देखिए एटमी अटैक की बात बात नहीं करनी चाहिए, ये डिटरेंस है, दूसरे को रोकने पे डिटरेंस है। इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। मैं आपको मिसाल अगर दे दूँ एटम बम के इस्तेमाल का, देखो अगर आपने एक एटम बम मारा तो आप अपने ऊपर मुसीबत जाएंगे, वो 20 मार के आपको ख़त्म कर देंगे, तो आपको फिर 50 मारने चाहिए ताकि उनको ख़त्म कर दें आप, ताकि वो 20 ना मार सके। तो क्या आप 50 एटम बम मारने के लिए तैयार हैं? तो ये चीज़ें बड़ी ये बहुत डीप चीज़ें हैं, इसकी समझ होनी चाहिए आदमी को गवर्नमेंट लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे, तो इसकी तो बात ना करें। बाकी जहाँ तक उनका बाकी बॉर्डर पे, देखिए मिलिट्री स्ट्रेटजी होती है जो आप लोगों को फ्रेंकली उतना नहीं पता। अगर कश्मीर में वो कुछ करना चाहते हैं और करेंगे तो उनको फोर्स चाहिए, उसके लिए फोर्स चाहिए, एक तो फोर्स है उधर। अगर वो बाहर कहीं पंजाब से सिंध से भी फोर्स ले आया इधर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, हमें मारने के लिए, तो क्या होगा कि उधर वो कमज़ोर हो जाएंगे, वहाँ हम उन्हें फिर मारेंगे। तो इतना आसान नहीं है कि वो ये जो कारगिल वॉर में अपनी सारी उनकी बॉफर गन्स हैं जो बहुत मशहूर हैं, वो तमाम बॉफर गन्स जो आर्मर डिवीज़न की होती हैं जो स्ट्राइक करता है पाकिस्तान को, वो सारी बॉफर गन्स अंदर ले गए थे कारगिल में। अब क्या हुआ कि वो अटैक करने के काबिल ही नहीं है, दूसरी जगह पे काबिल ही नहीं है। मतलब ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मिलिट्री स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। वो अंदर जाएंगे, हम दूसरी जगह पे उन्हें मारेंगे, वो उधर कुछ करने के काबिल ही नहीं है। तो ऐसी कोई नहीं है, ओपन वॉर जो है वो बड़ा मुश्किल है। सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है कश्मीर में जो मैंने कहा, उसका जवाब हमारे पास होना चाहिए, मैंने आपको बताया। सर आपने सबका हुकूमत का जिक्र किया कि मुल्क के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम वापस नहीं आने देंगे, आप क्या समझते हैं कि एपीएमएल को इससे कितना नुकसान होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान नहीं जा सके, पार्टी उस तरह से डेवलप नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी, तो आपको क्या लगता है कि अब आप ऐसी कोई आगे स्ट्रेटेजी बनाएंगे नई हुकूमत की वजह से? नई हुकूमत की वजह से बिल्कुल, क्योंकि सबका हुकूमत ने बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स रखी जिसकी वजह से एपीएमएल को नुकसान हुआ। वेल किसने, जो अभी की हुकूमत है उसने नहीं, पिछली नून लीग वगैरह ने, ठीक सही बात है, नुकसान उठाया वो। देखिए पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टीज हैं, बहुत पुरानी पार्टीज हैं। अब मैं कहूं कि हम उनके मुकाबले में खड़े हैं, हम उन्हें डिफीट कर देंगे, गलत फहमी में नहीं रहना, मैं गलत फहमी में कभी नहीं रहता, तो ये बात तो है। लेकिन इधर एक सिलसिला जो है, मैं हमेशा फौज को कोट करता हूँ, क्योंकि फौजी स्ट्रेटजी जो है ना, हिकमत अमली मिलिट्री स्ट्रेटजी,
वो हर जगह अप्लाई करती है, ये याद रखें। उसमें कहते हैं कि दुश्मन ने अगर अटैक करना है तो आपने दुश्मन क्या कर सकता है वो देखना है, क्या कर सकता है, और उसके मुताबिक आप, वो दाएं से आ सकता है, बाएं से आ सकता है, सामने से, आपने उसके मुताबिक अपना प्लान बना देना है। इसको कहते हैं मोस्ट लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन बाय एनिमी। वो करने के बाद वो बाएं से आप कह रहे हैं वो तो दाएं से आ जाता है, तो इसको कहते हैं मोस्ट डेंजरस ऑप्शन। ये ना हो कि सबसे खतरनाक ऑप्शन वो ले, वो बाएं ने वो तो दाएं ही आ गया, तो उसके लिए आपकी तैयारी। तो इस वक्त ये है कि सबसे खतरनाक मोस्ट डेंजरस ऑप्शन ये है कि ये वाली गवर्नमेंट ही टॉपल हो जाए। बहुत से लोग यहाँ मेरे पास आते रहते हैं, पहले 90% तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे पीटीआई के फेवर में, अब बहुत से ऐसे आते हैं जो नई बातें कर रहे थे उनके फेवर। तो क्या ये ऐसा ना हो कि ये तीसरा पॉलिटिकल फोर्स गिर जाए और हम फिर वो दो जेल से निकल के हमारे पीछे लग जाए? उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये बताएं मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ? APML कमज़ोर है, बिल्कुल कमज़ोर है, मतलब अब लेकिन हम जो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसे थोड़ी सी ताकत रीऑर्गेनाइज करके कुछ तो दम हो उसमें, वो दम हम देंगे इसके अंदर। और अगर कोई इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेगा हम इनके साथ, जो अगर हमारे पास जो थोड़ी बहुत दम होगा वो हम इनकी झोली में डालेंगे। इमरान खान ने चाइना का दौरा किया, टर्की का दौरा किया, दो दफा मुतहदा बमरात आ चुके हैं, और अभी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का विजिट करके आए। सो फार इमरान खान ने जो 6-7 माह लीडरशिप, अभी इंडिया के मसले को टैकल करना, बॉम्ब से खिताब करना, जनरल बाजवा से अच्छा रिलेशन, इमरान खान की लीडरशिप को आपने 6 माह में कैसा ऑब्जर्व किया? और समथिंग आप कुछ की कर रहे हैं कि वो प्रबंध भी आए हुई सीख रहे, इज लर्निंग, एक लर्निंग कर्व होता है। लेकिन लीडरशिप आसान काम नहीं है। लीडरशिप का पहला जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मैं हमेशा समझता हूँ, पाकिस्तान की कोई इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो अहम इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान लेवल की, वो कोई 200 होंगी मेरे ख्याल में, शायद 200 भी ना हो। स्टील मिल है, शिपिंग कॉरपोरेशन है, रेलवे है, वापडा, ये सारे पाकिस्तान को गिरा सकती हैं, बना सकती हैं। अब इनको इधर अच्छा एक बंदा सिलेक्ट करके लगाना, एक तो ये काम है लीडर का, इमरान खान का काम है, अच्छा बंदा लगाएं, कॉमर्स मिनिस्टर फलाना, मिनिस्टर फलाना, डबकाना। वो जब अच्छा बंदा लग गया, काम वहाँ ख़त्म नहीं होता है। अब यहाँ अच्छा बनाना, अच्छा बंदा लगाना, ये आसान काम है, ये वो कर सकता है, लेकिन आगे उसके एक काम बाकी है। अब मैं हूँ लीडर, मेरे नीचे 200 बंदा है जो बहुत अच्छा है, अपने अपने फील्ड का बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा काम करेगा, बहुत समझदार आदमी है, लेकिन आपस में क्या वो एक है, एक जेल्ड है? वो क्या वो आपस में ये यकजहती है उनकी, आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि ये बाहर चला गया, छुट्टी पे गया था, वो कहते नहीं मैं छुट्टी नहीं गया था, मैं तो कुछ और काम करने गया था। ये ऐसे नहीं चलता, यह काम आता है लीडर का। हाँ डेफिनेटली देखें, एक तो ये सारी बातें जो मैंने कह दी है, दूसरी ये है कि पाकिस्तान की क्या अहमियत है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपने आप को छोटा कमज़ोर मत समझें, कभी मत समझें। हम एक ताकतवर मुस्लिम मुल्क हैं, मुस्लिम उम्मा के सबसे ताकतवर मुल्क हैं। अपने आप को बनाओ तो सही, फिर वो ताकत आपकी आती है, लेकिन अगर आप अपने आप को अंदर से तोड़ रहे हो तो वो ताकत बेकार है।
तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी ताकत है और हमें रिकग्नाइज दुनिया कर सकती है, छोड़ेगी मुस्लिम उम्मा को छोड़ो, दुनिया करेगी। और ये रीजन में अफगानिस्तान हुआ या इंडिया हुआ या जो कोई, बिल्कुल करेंगे। और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रही है, कहते हैं ना पहले कोल्ड वॉर में ये एक बाईपोलर वर्ल्ड थी, वॉर्सो पैक्ट, नेटो वगैरह, उसके बाद जब सोवियट्स हार गए अफगानिस्तान से यूनिपोलर बन गई, अकेला अमेरिका वर्ल्ड पावर। अब मल्टीपोलर हो रही है, चीन और रशिया भी आगे आ रहा है। अब जब मल्टीपोलर तीन हो रही हैं, हमारा काम यह है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हमने अपना नाम बनाना है। और उनके साथ सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, अमेरिका इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड पावर है, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। लेकिन यह समझना कि अगर उनसे दोस्ती नहीं है तो हम मर जाएंगे, जैसे वो यूनिपोलर, हम नहीं मरेंगे। हम अपनी हिकमत अमली सही इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम स्ट्रांग होंगे। और ये जितने भी लोग हैं, ये मिडल ईस्ट के आपने जो कहा, सऊदी अरब से, वो ये सब जानते हैं, देख रहे हैं, उनको खतरात हैं, अपने खतरात हैं उनको। अब वो मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, आप लोग खुद समझेंगे, उनके अपने खतरात। उसकी दिफा के लिए सबसे बड़ी पाकिस्तान है, हमें भूल नहीं सकते वो, हम उनकी दिफा है। तो ये समझें, ज़रा अपने आप को समझें, तो फिर आगे इंशाल्लाह ताला सब ठीक है। मुशर्रफ साहब, अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव नहीं हो रहे, और इसके बारे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बात की, तो अफगानिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये खराब है, हमेशा ही खराब रहे। 1948 में वाहिद दुनिया का मुल्क था जिसने पाकिस्तान को यूएन की एंट्री के अगेंस्ट वोट डाला, ये आपको पता है, अफगानिस्तान। तो ये हमारी इसकी दोस्ती है। उसके बाद कोल्ड वॉर 1979 तक, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में है, कोल्ड वॉर पीरियड जिसमें सोवियट्स और अमेरिका एक साइड पे, वो किस साइड पे थे? वो तो सोवियत साइड पे थे। इंडिया जो आजकल अमेरिका शोर मचा रहा होता है, और बाबा तू तो उधर था सोवियत यूनियन के साथ, कम्युनिस्ट के साथ थे तुम, अभी क्या तुम अमेरिका के गुण गा रहे होते हो? तो भी नहीं। उसके बाद अब ये 1991 आया, सोवियत यूनियन हार गया, डिफीट हो गया, इंडिया ने अपना स्टांस चेंज करके सोवियत यूनियन के साथ, रशिया के साथ है, और अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान फिर हमारे खिलाफ है। वो बीच में नॉर्दर्न अलायंस आया था, तालिबान आए थे, वो उनके साथ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। हालांकि 79 से 89 तक 10 साल हमने उनके साथ जंग लड़ी है, हमने उन्हें इंडिपेंडेंस दिलवाई है सोवियत यूनियन से, लेकिन फिर भी वो खिलाफ है। तो ये हमारे ताल्लुकात अब अफगानिस्तान से ठीक होने चाहिए, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल हर ताल्लुक है उनसे। लेकिन वो कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वो अपोजिट ही होते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। आई डोंट नो व्हाई, आई फेल टू अंडरस्टैंड। इंडिया के साथ क्या है, इंडिया से क्या ताल्लुक है उनका, ना ज्योग्राफी, ना कल्चर, ना रिलीजन, ना कुछ। तो अब कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान शुड बी विद अस, हमारे साथ होना चाहिए, बट कोशिश जारी रह सकती है। हाँ, ये नहीं, देखे आदमी को फ्यूचर देखते रहना चाहिए, पाकिस्तान को फ्यूचर देखते रहना चाहिए अपने खत्ते का, क्योंकि हमें एग्जिस्टेंशियल, हम एक मुल्क है इसराइल के बाद आई वुड से, जिसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारी सालिमियत को थ्रेट है,
اتنا بڑا ملک, چار گنا بڑا ملک ہندوستان, افغانستان, سوویت یونین, سب مل کر پاکستان, ٹو فرنٹ وار تھریٹ. تو ہمیں یہ تھریٹ جو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے, تو اس کو ہمیں کور کرنا چاہیے اور کریٹر کرنا چاہیے. کیا پوچھا تھا آپ نے؟ اوکے, ناؤ اگر امریکہ جو دھمکیاں دے رہے کہ میں تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا, ناؤ اگر وہ ہوتا ہے, اگر چھوڑ کے جاتا ہے, اگر نہیں جاتا ہے تو یہی جو اسٹیٹس کو ابھی چل رہا ہے وہی چلے گا. چھوڑ کے اگر جاتا ہے پھر کیا ہوگا, ذرا اس کے بارے میں آدمی کو سوچنا چاہیے. میرے خیال میں تو تین چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو 1991 میں جب امریکہ سوویت یونین ڈیفیٹ ہو کر گیا اور یہ ایک یونیپولر ورلڈ بنی, تو سارے وار لارڈز جو افغانستان کے تھے, ایتھنک الگ, پختون الگ, تاجک, ازبیک, یہ سارے پنشیریز, یہ سب الگ الگ لڑ رہے تھے کابل کو کنٹرول کرنے کے لیے اور افغانستان کو کنٹرول کرنے کے لیے. دوبارہ شروع ہو جائے گی, دوبارہ مہم دو اگر وار لارڈزم جسے میں کہتا ہوں وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد دوسرا پاسبلٹی, 1997 میں پہلی دفعہ طالبان ملا عمر کے نیچے, ایک کمانڈ کے نیچے آئے 1997, اور پھر دوسری طرف ناردرن الائنس, ادھر طالبان, دوبارہ وہ ہو جائے گا. اور ناردرن الائنس کٹھی انڈیا کرے گا, انڈیا انہیں سب کو ملائے گا طالبان کے خلاف, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر یہ ہوا تو میری نظر میں طالبان جو ہیں وہ شیورلی ڈومینیٹ کریں گے. یہ ناردرن الائنس انہیں نہیں مار سکتی, افغانستان میں طالبان ڈومینیٹ کرے گی. تو اب اس میں پاکستان کا حصہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, ایک پراکسی وار شروع ہو جائے گی. تو تیسرا جو ہے پراکسی وار انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں, افغانستان میں پراکسی وار, یہ تیسری پاسبلٹی ہے. اب اس میں ہم کس کی سائڈ, کون سی سائڈ ہم کو استعمال ہم کرتے ہیں اپنے لیے, اس کا سوال پیدا ہوتا ہے, اور کون سی سائڈ ہندوستان کی طرف جاتی ہے, اس کا سوال پیدا ہوتا ہے. ان کی طرف طالبان نہیں جائیں گے, ان کی طرف باقی ناردرن الائنس, یہ تاجک, ازبیک, یہ لوگ جائیں گے. اب ان کا کیا ہم اپنے سائڈ والے سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر نہیں سکتے, ماریں گے انہیں. تو یہ ہے. یس, مطلب ایک پراکسی وار ہوگی اور خانہ جنگی ہوگی. افغانستان میں امریکہ اگر گیا تو ایک خانہ جنگی ہوگی, ویریس فارمز کی خانہ جنگی ہوگی, جس میں پاکستان ملوث ہو جائے گا, ہندوستان بھی ملوث ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے, یہ میں سمجھتا ہوں. مسٹر پاکستان میں جو احتساب کا سلسلہ جاری ہے, آپ اس سے کتنے مطمئن ہیں؟ نہیں, میں 100% مطمئن, بلکہ ہلکی چل رہی ہے اور سختی سے جانی چاہیے بالکل. اور جی یہ مطلب اس لیٹر میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو پاکستان میں آپ نے صحت ماشاء اللہ بہتر ہے آپ کی, تو پاکستان کے حوالے سے میں بتائیے گا کہ پاکستان جانے کا کیا پلان ہے؟ یہ مجھے پتا تھا کہ یہ سوال ضرور ہوگا. دیکھو, میں پھر وہی فوجی کی طرف, سوری, میں فوج کی ہمیشہ بات کرتا ہوں. فوجی ملٹری اسٹریٹجی کے لحاظ سے میرے پاس دو کورس اوپن ہیں, دو کورس ہیں. نمبر ایک, میں نہیں جاؤں, بالکل نہ جاؤں, رائٹ آف کینسلڈ, 10 دفعہ کینسلڈ کہ میں نہ جاؤں.
कैसे हो सकता है मैं ना जाऊं, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मेरे रूट्स हैं उधर, मेरे रिलेटिव, मेरे यार दोस्त हैं वहाँ, अपना एक माहौल है, लाल कुर्ती के पान उधर ही मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। तो ये एक एक माहौल है, उसको ये तो सवाल हो नहीं सकता कि मैं ना जाऊँ, जाऊँगा तो मैं ज़रूर। अब एक को जाने का तरीका बेवकूफ़ों की तरह एकदम से तेज छलांग मार के, दूसरा ये थोड़ा सा जरा थोड़ा सा इंतज़ार, माहौल कुछ अच्छा है मेरी नज़र में, पॉलिटिकल माहौल कुछ ऐसी है कि मेरे ख्याल में मेरे जाने को फेवर ज़रूर करता है। आधे मिनिस्टर तो मैं मतलब लॉ मिनिस्टर तो मेरा अपना मिनिस्टर था, अटॉर्नी जनरल वो मेरा अपना लॉयर था, तो माहौल तो बना हुआ है। यानी वो आपके केस को बेहतर तौर पे वहाँ पे मौजूदा हालात में बेहतर तौर पे सुना जा सकता है। हाँ यस, मतलब देखो उन लोगों से एक्सपेक्ट करना कि अनयूजुअली जाकर गवर्नमेंट को मेरे केस को प्लीड करें, वो भी टू मच है, उनको भी अपना सोचना। लेकिन मेरे ख्याल में माहौल बिल्कुल ठीक ठाक है। इसी से लेकर सर एक और छोटा सा, ये हमेशा ऐसा क्यों होता है कि नून लीग, जब भी नून लीग के ऊपर कोई बैच आता है तो वो आपको अपने केस, जो जितने भी उनके केस हैं उसके अगेंस्ट वो आपके केस को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके जितने भी स्पोक्सपर्सन हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ये करते, तो ऐसा क्यों है? झूठे झूठ बोलते, पक्का सरासर झूठ बोलते। यानी परसों जो मैंने ये इंडिया टुडे को जो मैं इंटरव्यू दिया, अच्छा फिर बदतमीजी से भी पेश आते हैं वो आज तक इंटरव्यू, स्पेशली लेडीज, लेडी आई मीन शी वाज शाउटिंग सो मच के फिर मैंने उसे, मुझे कहना पड़ गया आप अभी भागना मत, क्योंकि उठ के मैंने देखा कि इसको प्लान कर रही है कुछ जाने का। मैंने कहा अभी बैठ ही रहो, बैठ जाओ, अभी बात सुनना, ठीक है, भागो मत, भागना नहीं है। बात यह है, कारगिल की बात कर रहे हैं, अब आपको इतनी डिटेल नहीं पता होगी, आकाश मैं आपको एक लेक्चर अभी देता कुछ 40 मिनट का कि कारगिल क्या था और किधर हमने क्या अचीव किया। पांच जगहों से हम अंदर गए हुए थे, पांच जगह, और तकरीबन कोई 800 स्क्वायर किलोमीटर जगह हमने ली हुई थी, ज़्यादा बल्कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया ने जो अटैक किया हुआ था वो एक में किया हुआ था, एक में मेरे ख्याल में बतालिक एक सेक्टर था, उसमें उन्होंने अटैक किया हुआ था और आधे को रिकैप्चर कर लिया हुआ था। दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ। चार उनको पता ही नहीं था कि हम अंदर बैठे हैं भाई, हम कोई कई सौ स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमने पकड़ा हुआ है उनका, उनको नहीं मालूम था। अब वो कह रही है कि हर जगह से आप दुम दबा कर भाग रहे थे, और मैंने कहा मैं दुम शुम नहीं दबाता हूँ कभी, भागता नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप करती होंगी ऐसी, हमने नहीं करते। तो झूठ बोल रहे होते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं, और दुनिया में अनफॉर्चुनेटली उनकी से जो है हमारे से ज़्यादा है, देर इज़ नो डाउट। ये जो जू और हिंदू मिलकर दुनिया में मीडिया में बहुत ताकतवर हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा, मेरी तो स्ट्रैटेजी रही है कि इनमें से एक को आउट करना चाहिए अपनी तरफ को, और वो हो सकता है। पाकिस्तान को समझता है एक बहुत ताकतवर मुस्लिम मुल्क है, और वो चाहता है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात किसी तरीके से ठीक हो, तो उसका इम्पैक्ट मुस्लिम उम्मा पे पड़ेगा पूरे। तो इसलिए हम कुछ थोड़ी सी भी कोशिश करें, आपको पता होगा मेरे ज़माने में
मैंने अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस को एड्रेस किया था न्यूयॉर्क में, 1000 लोग बैठा हुआ था वहाँ, ज्यूस सारे, और मैंने उनको खूब सुनाई पैलेस्टाइन के बारे में सारा। दूसरा फिर मैंने फॉरेन मिनिस्टर्स को मिलवा दिया टर्की में, तो ये सारा कुछ एकदम वो एक दिन में मैंने टर्किश प्रेसिडेंट को टेलीफोन किया कि मेरा इरादा है कि अगर हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसराइली के साथ तुर्की में मिल लें तो आप वो अरेंज कर दें। उसने कहा मैं इमीडिएटली करता हूँ। एक दिन आज के दिन मैंने कहा है बिलीव मी, अगले दिन जवाब आ गया इसराइल से, इसराइली प्राइम मिनिस्टर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड हम मिलेंगे। तो तुर्की में मिले, खुर्शीद कसूरी साहब गए थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिले थे। तो मतलब ये है कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। ये बार बार मैं इसीलिए सबको कहते रहता हूँ, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम ताकतवर हैं। तो इसको ख्याल रखें इसका। सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम, किस बच्चे को नहीं पता कि आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने कितना ढाका डाला है पाकिस्तान को, जो लूटा है, किसको नहीं पता है? एक एक बंदे को यहाँ पता है आपको कि नहीं? मतलब क्या सिखाने की चीज़ है ये? हम सबको पता है। क्या हमें पता नहीं है कि आसिफ जरदारी लोगों को मर्डर कराता रहा है? सिर्फ मर्डर नहीं, एक्सटॉर्शन करता रहा है, एक्सटॉर्शन। इसके जो बिलावल हाउस के बाहर, जो कंपाउंड के बाहर कोई 40 घर इसने जबरदस्ती ले लिए थोड़े भाव, छोटे भाव पे। मेरा ही एक मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज होता था सिंध का, उसकी एक दो फैक्ट्रियां, एक मेरे ख्याल सीमेंट और एक शुगर फैक्ट्री, वो ले ली उसे, जबरदस्ती अक्रॉस द टेबल साइन करवा लिया, साइन करो। मैंने उसे बड़ा कहा यार तू पागल आदमी, तो फैक्ट्री ही दे दी तूने। कहते सर मैं क्या करता, वो मरवा देता मुझे। जो हमारा चीफ मिनिस्टर जो था वो अलग, वो कहता था कि ये मैं उसे कहता तुम आओ पाकिस्तान क्यों नहीं आते हो, कहता था कि नहीं मैं मरवा देगा मुझे। तो ये हालत है। तो उसकी क्या बात कहे, तो अब उसके लिए उसके अगेंस्ट ही होना चाहिए। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपने कहा मीडिया, यू शुड ऑल बी अगेंस्ट देम। अगर इफ यू आर नॉट अगेंस्ट देम तो वो उस को प्रेसिडेंट इलेक्ट किसने किया? लोग कहते हैं एनआरए ने किया। वो एनआरओ ने तो एक माहौल ओके कर दिया, लेकिन उसको फिजिकली इलेक्ट किसने किया? तमाम प्रोविंशियल असेंबली के मिनिस्टर्स मेंबर्स, तमाम नेशनल असेंबली के मेंबर्स, तमाम सेनेट के मेंबर्स, उन सब ने वास्ट मेजॉरिटी से उसे इलेक्ट किया है। हम क्या कर रहे हैं, हम सो रहे हैं? हम कैसे मुल्क हैं, हमें क्या अपनी फिक्र नहीं है? तो ये चीज़ें आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। मीडिया बहुत स्ट्रांग है, मीडिया एक अब तो कहते हैं ना फोर्थ पिलर हो गया है, उसको यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें। ये आई वुड रिकमेंड। फाइनेंशियल सपोर्ट पाकिस्तान की जा रही है, गवर्नर डेवलपमेंट की बात हो रही है, इमरान खान की विजिट है, क्या इसका रिएक्शन है इंडिया ने? किसकी बातचीत हो रही है? फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान में सपोर्ट आ रही है गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड से कि हम डेवलप करते हैं कराची में, गवर्नर में ऑयल फील्ड की बातें चल रही है, क्या इसका रिएक्शन है जो इंडिया ने सडन दिया था कि फाइनेंशियली हम वीक हो? उनकी स्ट्रैटेजी इससे बहुत पहले की है, उनकी स्ट्रैटेजी, उनके थिंक टैंक्स ने पेपर लिखे हुए,
कि इनको इनके मिलिट्री को वीकन करना चाहिए, इनको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करो और इनको दुनिया में आइसोलेट करो। ये इनकी स्ट्रैटेजी, लिखी हुई स्ट्रैटेजी है। तो एक तो फाइनेंशियली वीक कैसे करो, ये भी उन्होंने उस पेपर में लिखा हुआ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। वो कहते हैं इनके दो सोर्सेज रेमिटेंसेस, इनके बड़ी स्ट्रेंथ है, वहां से पैसे आते बाहर। तो सऊदी अरब में और यूएई में इंडियन मुस्लिम्स को भेजो, पाकिस्तानी मुसलमानों को निकलवाओ उधर से किसी तरीके से, एक नंबर। और वो कर रहे थे, अगर आपको याद हो, इधर आया, सऊदी अरब गया, उधर उनका मकसद यही था। दूसरा, हमारा टेक्सटाइल दुनिया में मशहूर है, अच्छा है हमारा टेक्सटाइल, उसको उसकी ड्यूटीज कम, कोटास कम करवाओ, ड्यूटीज ज़्यादा करवाओ, ताकि इनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रुके। ये सारे उनके प्लान है, ये दिस इज देयर प्लान। तो ये पहले से यही था, लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल में अब उन्हें नज़र आई है। जब एक तीसरा पॉलिटिकल फोर्स सामने आ गया तो उन्हें नज़र आया है कि नहीं, ये तो एक फोर्स बन सकता है मुसलमानों का। तो आई वुड से इसकी वजह से यूएई और सऊदी अरब जो हमेशा पाकिस्तान बना है, ये दो मुल्क हमारे साथ रहे। जंगों में हमें असिस्टेंस हमेशा देते रहे। अब अगर थोड़ी बहुत इधर उधर की हुआ है, और ये नवाज शरीफ ही ने करवाया है, ये भी उसके तोहफा है कि हमारा झगड़ा करा दिया सऊदी अरब और यूएई से, जो हमारे हमदर्द थे। और तो अब बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मैंने कहा, हम ताकतवर मुल्क हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। थैंक यू सो मच। एक पीएसएल में मैं, लोग समझते हैं मैं कराची का हूँ, मैं कराची का नहीं, मैं फ्रेंकली क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, और वो हर मैच जीते हैं और इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे वो, क्योंकि उसको ओनर जो है नदीम उमर साहब, उसको मैं चाहता हूँ। कि ये दादारी और नौशरीफ ने बहुत लूटा है, और बाकी किसी को शक नहीं है, बहुत लूटा है, लेकिन